छुए मारने का जहर नहीं लेके आएगा तो मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी। प्लीज बस बस यही सुनना बाकी रह गया था। ज्ञान चंद जी बन के लोगों की जिंदगी में बाहर लेके आओ और यहाँ पे दीपक तिजोरी बन के चूहे मारने के लिए जहर लेके आओ। वाह, अरे मैं तो फ्रस्ट्रेटेड आ चुका हूँ। मन तो करता है वही जहर खा के आत्महत्या कर लूं मैं। वो सब बाद में करना, पहले जाके चूहे मारने का जहर ले। प्लीज दीपक प्लीज। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ खटिया उड़ के। अरे नहीं सुन दीपक, नहीं कुछ नहीं। ए दीपक, दीपक, दीपक उठना। खटिया किधर गई? इधर है ना। अरे क्या कर रहे हो आप, क्या चाहिए आपको? तुझे नींद आ रही है क्या? अरे नींद आ रही, तभी तो मैं सो रहा हूँ यहाँ पे। अगर तुझे नींद आ रही थी तो तू उठा क्यों? अरे कोई उठाएगा तो उठूंगा ना मैं। तू उठ गया इसका मतलब तेरी नींद कच्ची थी, पक्की नहीं थी। अरे मेरी नींद है, मुझे पता है कि कच्ची है कि पक्की है। कच्ची पक्की से क्या फर्क पड़ेगा? उठना, जाना जाना, मेरे लिए दवा लेके आना, उठना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सो रहा हूँ, बात खत्म। गई। गुड मॉर्निंग। देखा मैंने तेरे को बोला ना तुझे नींद नहीं आ रही, जाना सुना नहीं, उठना। अरे जाना दवा लेके आना। मेरी माँ, मैं जा रहा हूँ चूहे के लिए जहर भी लेके आता हूँ और अपने लिए नींद ना आने की गोली लेके आता हूँ ताकि मैं चैन से उल्लू की तरह जाग सकूँ। तो जागता भी उल्लू की तरह है? अरे मैं चाहे जैसे भी जागूं, दवा लेके आऊं कि नहीं लेके आऊं? जल्दी आना। हाँ ठीक, भूल ना जाना। अरे मेरी माँ, मैं जाऊं? जा, दवा लेके आना। अरे भैया इस साल भी हमारी फसल खराब हो गई, क्या करें, बहुत ही मुसीबत है। अरे भैया हमारा लड़का फिर से छठवीं में फेल हो गया, क्या करें भैया, बहुत ही मुसीबत है। तुम्हारी मुसीबत खत्म हो गई है तो मैं कुछ बोलूं? ए जा फटाफट स्कूटर लेके आ। भैया कहीं घूमने चलना है? हाँ हम पहले घूमने जाएंगे, फिर रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, उसके बाद पिक्चर देखने जाएंगे, फिर गार्डन में एक दूसरे के साथ बैठ के ऐसे। भैया भैया एक आइसक्रीम भी खाएंगे हम। अरे एक नहीं, मैं खाऊंगा। बेवकूफ कहीं का, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? बाकी घर से जा मेडिकल स्टोर जा, जा। क्या हुआ भैया, अचानक मेडिकल सब ठीक है ना? अरे यार मुझे ना नींद ना आने की दवा चाहिए बस। नींद ना आने की? देख लोखंडे जी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे रोज रात को मिट्टी का दिया जला के मुझसे प्रवचन करवाते हैं। अरे मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा मुंह दिए पे आ गया तो। अरे क्या दीपक भैया, एक माटी का दिया बचाने के लिए नींद आने की गोली ले रहे हो? अबे मिट्टी के दिए के लिए नहीं, मुझे इतनी भयंकर नींद आती है ना, ऐसा झपकी आता है, मुझे लगता है कि कहीं अगर मेरा मुंह दिए पे आ गया तो मेरी दाढ़ी झुलस जाएगी, तो मैं ज्ञानचंद से दीपक, दीपक से ज्ञानचंद वाट लग जाएगी। भाई समझ मेरी बात को। और घर में एक एक चूहा आ गया, उसको भी ठिकाने लगाना का मेरे को। तो फिर कैसे करोगे बंदोबस्त, कुछ सोचा है आपने? अरे सोचना क्या है, प्लान रेडी है। उसके खाने में जहर मिला दूंगा, उसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन भैया इतना सब करने की क्या जरूरत है, खेल तो ऐसे भी खत्म हो सकता है ना? नहीं मेरा प्लान तो यही रहेगा, आप लोगों के लिए ज्ञानचंद अच्छा होगा। अरे मेरा बस चले ना तो उनको बस के नीचे कुचलवा दूं मैं। मन तो करता है ना कि उनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं मैं, मार दूं मैं उनको। दो निवाला खाएगा ना एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा, घर से बाहर निकलेगा ना तो सांस लेने की कोशिश करेगा और वहीं मर जाएगा। भैया करोगे कब? आज रात को, आज रात को ही उसके खाने में जहर मिला दूंगा और उसका गेम ओवर। भैया आ गया। ए सो गया था क्या? चल निकलना, चल 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 चलते हैं, चलते भैया। अरे नहीं,
तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिंदगी तबाह कर दी है तुमने मेरी। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ऐसा मत करो। अब तो तुम्हें भगवान के पास जाना ही पड़ेगा ज्ञानचंद। नहीं देखो तुम तो संस्कारी हो ना। मेरा मतलब है महासंस्कारी हो ना। देखो मैंने तुम्हें अपने हाथों से प्रसाद खिलाया है दीपक बेटा, ऐसा मत करो। देखो अब तुम मेरे हाथ की गोली खा। नहीं हाँ नहीं हाँ। माँ बाबूजी नहीं, दीपक का ये सपना मैं कभी सच नहीं होने दूंगा। माँ बाबूजी को मरने से रोकना होगा। सुधाकर तुझे ही कुछ करना होगा। सुधाकर कुछ कर। काका काका। बाबा। हाँ क्या हो गया? बाबा मैंने डिब्बा भर के ना शंकर पारी बनाई थी। अरे वाह, तो मुझे दो चखने के लिए। आप मेरी बात ठीक से नहीं सुन रहे हो। मैंने डिब्बा भर के शंकर पारी बनाई थी। तो आप कहाँ गई? ते माला नहीं माहिती। ये जो घर पे लोग रहते हैं ना किराए पे, वो लोग तो कह रहे थे कि कोई चूहा खा गया होगा, लेकिन मुझे तो शक उस मेंढक पे है। जरूर उसी ने डिब्बा खाली किया। अरे बेटी उसका नाम जय है, उसे मेंढक मत बोल। और उसने नहीं खाया है तो नहीं खाया है, झूठ क्यों बोलेगा वो? बाबा वो झूठ ही बोल रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा है तो उसे इसका टेस्ट कैसे पता था? उसने बताया क्या? हाँ उसे कैसे पता था कि मैं शंकर पारी में थोड़ी सी इलायची डालती हूँ। कैसे पता? अरे मैं भी तो वही पूछ रही हूँ बाबा, उसे कैसे पता? नहीं मैं भी वही सोच रहा हूँ, उसको कैसे पता? हाँ, इलायची तो बहुत लोग डालते हैं, तो उसने ऐसे ही अंदाजा लगाया होगा। नहीं बाबा कोई अंदाजा वंदाजा नहीं लगाया उसने, एक नंबर का चोर और झूठा है वो। किसी के बारे में ऐसा नहीं करते समझे? नहीं बाबा ऐसे लोगों के बारे में ऐसे ही बोलते हैं। अब देखिए ना मुझे बाजार जाके फिर से सारी चीजें लानी पड़ेगी शंकर पारी बनाने के लिए, और फिर से शंकर पारी बनानी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है फिर जा। अरे क्या जा, वो अगर बाजार गई तो वाट लग जाएगी। अरे जय बेटी। काका सुनो। अरे तू बाजार उठने जाया? काका आई को। अरे तू चुप बैठ रे। जय बेट तू चुप बैठ। तेरी वजह से चली गई वो बाहर, मालूम है? अगर वो बाहर चली गई तो क्या हो सकता है? 2018 चल रहा है, उसको पता चल जाएगा। अरे बाप रे, फिर तो डॉक्टर ने बोला है कि पता चल गया तो बहुत बड़ा सदमा लग सकता है। हाँ, और वो तेरी वजह से आज उसको सदमा लगने वाला है, तेरी वजह से। मूर्ख गाढ़ा कुटला। मैं रुकना चाहिए। जया बेटी रुक। काका। काका भले मेरी बात नहीं सुने लेकिन मैं उस दीपक को महा बापू जी का खून नहीं करने दूंगा। लोखंडे शपथ। काका ये एक्सपेंडिचर का फिगर जो तुमने डाला हुआ है वो थोड़ा ज्यादा नहीं है? नहीं थोड़ा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। खैर तुमने फिगर डाला है तो तुम जान। डैड हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारी कंपनी एफिशिएंट है, हम टाइम पे डिलीवरी देते हैं, हमारी रेपुटेशन है। अगर हमने इससे कम कोट दिया तो हमारा प्रोडक्ट हमारी सर्विसेज की कीमत हम खुद घटा रहे हैं डैड। टेंडर अगर हमें मिलना है तो यही प्राइस पे मिलना चाहिए, नहीं मिलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा डैड, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स फाइन, ट्रस्ट मी। ओके तुमने कह दिया तो इट्स ओके। भाई नए जमाने के लोग हो, तुम्हारी सोच अलग है, हमारी सोच अलग थी। खैर व्हाट अबाउट यू से बेटा? इट्स ओके इट्स ओके। का लड्डू खा, लड्डू 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 लड्डू। इतनी खुशी, कल तक तो बहुत नाराज थे तुम, अचानक क्या हो गया? अरे तू लड्डू तो खा 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 खा। अरे वाह वाह वाह, लेकिन किस लिए? अंकल आप भी तो खाओ 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 ना। लड्डू तो आ गए लेकिन हाथी कहाँ है? हाथी हाथी काई को? भाई आदमी जब बहुत खुश हो जाता है ना तो हाथी में बैठ कर लड्डू बांटता है। लड्डू आ गए हैं, हाथी बाहर पार्क करके आया है।
अरे अंकल हाथी नहीं है लेकिन खुशी वही है। आप लड्डू खा, लड्डू लड्डू लड्डू। अरे लेकिन मुझे एक बात, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू लड्डू खा, लड्डू मेरे भाई लड्डू खा। और मैं सारे मोहल्ले में लड्डू बांट के आ रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लोखंडे जी को खिलाया। क्यों? अरे अंकल मुझे दुनिया का सबसे बड़ा आइडिया मिल गया है। अब ना रहेंगे ज्ञानचंद और ना रहेगी लोखंडे जी की टेंशन। अरे ऐसा तो क्या आइडिया बताएगा? अरे मेरे भाई आज मैं मेडिकल स्टोर पे चूहे मारने की दवा लेने जा रहा था। ये आइडिया? ठीक है? अरे आगे तो सुन मेरे भाई। हाँ अच्छा। वहाँ पे मेरे को एक आश्रम दिखा, उस पे एक एड लगा हुआ था। जैसे मैंने एड देखा मेरा दिमाग काम किया और मैं फटाक से लड्डू खरीद के लेके आया और सबसे पहले लोखंडे जी को मैंने खिलाया और उनसे कह दिया कि ज्ञानचंद जी महाबापू ने अलीबाग के पास वाले टापू पे नया आश्रम खोला हुआ है और वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे तपस्या करने जा रहा है। और मैंने उनसे ये भी कह दिया कि उनके पास जाने के लिए आपको बोट की जरूरत पड़ेगी। अब आप ही लोग बताइए कि लोखंडे जी रोज रोज ज्ञानचंद जी महाबापू से मिलने के लिए बोट से थोड़ी जाएंगे। जय भाई अंकल वो पगड़ी वाले अंकल को थोड़ा समझाओ ना। क्या हुआ? अरे आपको पता है वो ना लकड़ी वाले को और कारपेंटर को बुला रहे ले। क्यों गरीब घर काट रहे क्या? नहीं नहीं बोट बना रहे ले। हाँ बोल रहे ले कि ज्ञानचंद जी के नए आश्रम में ना बोट से जाएंगे और देखेंगे कि उनकी तपस्या कोई भंग ना करे। इसको क्या हुआ? अरे मेरे भाई लड्डू का ले, लड्डू का मुंह मीठा कर ले। अरे मन तो कर रहा है ना अभी ये जहर खा के ना मैं चिता पे लेट जाऊं। नहीं ऐसे मत करना बेटा, ऐसे मत करना, नहीं तो लोखंडे जी भी तेरे बाजू में आके लेट जाएंगे चिता पे। ओके ज्ञानचंद जी आपको यहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मार दो, मार दो, अरे मुझे मार दो अंकल, मार दो, कोई मुझे मार दो यार, खत्म कर दो मुझे, मुझे नहीं जीना है। अरे भाई तेरे लड्डू तो लेके जा। ये किधर जा रहा है? उसको जाने देना बेटा है। अब अच्छा मैं जरा जाकर आती हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? वो अंकल इधर ही नजदीक में। नजदीक में मतलब किधर? इधर ही पास में। और मिला किधर जा रही है? भाई बोला ना पास में जा रही हूँ। इससे पहले कि हम तुझे गलत समझे उर्मिला हमें बता सही बात क्या है। भाई वो पास वाला मोहल्ला है ना उधर मैंने भाड़े पे खोली लिया है। क्या? क्यों? वो मैंने अपनी माँ को उधर शिफ्ट किया है। भाई वो क्या है ना आजकल माँ को आँख से थोड़ा ना धुंधला धुंधला दिखाई देता है। मेरे बाप के बारे में तो आपको पता ही है वो तो कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं है। तो दिन में खाना बनाने के लिए ना मैं उसकी मदद के लिए जा रही थी। धुंधला धुंधला याने मोती बिंदु? हाँ हाँ वही। अरे तो फिर तू उनका ऑपरेशन क्यों नहीं करा रही? कराने का है मेरे को लेकिन अभी नहीं करा सकती है भाई। पैसों की वजह से? हाँ। पागल हो गई है तू? अरे नहीं अंकल सिर्फ पैसे इस वजह नहीं है। उर्मिला झूठ मत बोल। मैं सच बोल रही लिए भाई। वैसे भी माँ ना अभी मेंटली तैयार नहीं है ऑपरेशन के लिए। क्यों? हम गरीबों का ऐसे ही होता है भाई। डॉक्टर अस्पताल कोर्ट वकील ये सब चीज से ना बहुत डरते हैं लोग। खर्चा बहुत होता है ना इसके लिए। जांच करने पे कुछ और ज्यादा निकल गया तो यही सारे चीजें ना दिमाग में सोचते रहते हैं लोग। फिर इलाज नहीं कराते और बीमारियां बढ़ जाती है। अगर तू बोल तो हम आके बात करें उनसे। नहीं 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 भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं करने का।
वो क्या ना, मैंने माँ को अभी तक सच्ची सच्ची बताया ही नहीं कि मैं करती क्या है। उनको तो यही लगता है कि मैं साबुन और इत्र बेचती है। तो ऐसा सब कुछ नहीं करने का है। हाँ बेटा, एक काम करो ना, उसे अपने घर ले आओ, यहाँ उसकी देखभाल अच्छी होगी। हाँ। क्या और बताओ, क्या मैं ये धुंधला धुंधला सा आलिशान दिखने वाला मकान किसका है, जिसकी दीवार हाथ लगाने से भी नहीं मिल रही है, क्या बोलूंगी? सॉरी सॉरी बेटा। कोई बात नहीं, जो जिधर है ना उसको उधर ही रहने दो। अच्छा मैं चलती हूँ। जा। हाँ थैंक यू। आती है मैं। ये फोन जरा दीपक भाई को दे आओ, हमें जरा जरूरी काम है। अबे तुम्हें जरूरी काम है तो हम कब फालतू बैठे हैं बे? दिखता नहीं चाय पी रहे चाय? अरे रमेश भैया तुम ऐसी कैसी बातें करते हो? बच्चन साहब राह देख रहे हैं, तुम अपना चाय बनाओ ना। बच्चन साहब राह देखे अच्छा नहीं लगता ना। क्या बात कर रहे हो भैया, बच्चन साहब तुम्हारी राह देख रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? अरे बच्चन साहब को मिलने। अरे वाह वाह वाह, मतलब ये फालतू फोन जो है हम पहुँचाए और तुम जाके बच्चन साहब से मिलाओ। अरे भैया हमें भी उनसे मिलना है। ठीक है रमेश भैया, चलना तुम ही मिलने। दीपक भाई ने मालपानी का ये फोन बनने के लिए दिया था, अब इसे पहुंचा दो, उसके बाद ही चले जाना। हम और बच्चन साहब दोनों मिलके वेट करेंगे तुम्हारा। अरे बच्चन साहब हमारी राह देख रहे हैं, तुम्हारी राह नहीं देख रहे हैं, पता है? तुम एक काम करो, इस फोन पे एड्रेस लिख के पोस्ट कर दो। हाँ अरे जया दीदी, हमको पहचाना क्या? हमें रमेश। हमें सुरेश, आप ही के मोहल्ले में रहते हैं। हाँ हाँ शायद आपको देखा है। फिर तो आपने इसको भी देखा होगा। देखिए ना देखिए, ये जया भैया की माता जी का फोन है। लेकिन ये आपके पास कैसे आया? वो खराब हो गया था, दीपक भाई ने रिपेयरिंग में दिया था। आप इसे दे दीजिएगा ना, वो कहने के हम लोग थोड़ा जल्दी में है। अरे पर... बच्चन साहब को मिलना है भाई, जल्दी तो चलो। हाँ माँ आ रही है मैं। अरे मैं किधर फंस गई थी इसलिए फोन नहीं उठा पाई। हाँ तू टेंशन मत ले, मैं अब भी जा रही है। उर्मिला फोन पर माँ से बात कर रही थी, ये कैसे हो सकता है? उसकी माँ का फोन तो मेरे पास है। हो ना हो कोई तो गड़बड़ है। चुआ, चुआ, चुआ खांगे, चुआ, चुआ खांगे, चुआ, चुआ। ओ, अरे, तू यहाँ क्या कर रही है? जल्दी से यहाँ से भाग जा, यहाँ एक बहुत मोटा चूहा है। ओ, वो तुझे खा जाएगा। जा जा भाग जा। ओ, हाचू। अरे इतने जोर से मत बोल, आस्ते बोल आस्ते बोल। अगर तेरी आवाज सुन के चूहा बाहर निकल आया तो मेरी जान भी बाहर निकल आ जाएगी। हाचू 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 ऐसे बोल। हाचू हाचू। हाँ। ओ, ओ गुरी गुरी किचे गुरी माँ। पता नहीं क्या बोल रही है यार, इधर ही किधर है, मैंने यही देखा था। ओ, सुना सुना बहुत अच्छा आइडिया। एक काम कर, तू उस कोने में जाके खड़ी रह, जैसे तूने चूहे को देखा ना मार डाल देना। अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा। अब आएगा। पानी क्या कर रही है, क्यों खड़ी इस पे आप? एक मिनट क्या हुआ? आप ये बताइए आप टेबल पे क्यों खड़ी हुई है? मुझे लगा तो आएगा नहीं, इसके लिए मैं सेफ समझ के यहाँ खड़ी हो गई है। वो सब छोड़, तू चूहे मारने की दवा लेके आया कि नहीं? अरे ऐसी जालिम दवा लेकर आयो ना कि चूहा एक बार पी के दो बार मरेगा। क्या बात कर रहे हैं, सीरियस कहाँ है? अरे ये है ना तो... एक मिनट, थैंक गॉड ढक्कन पहना हुआ है, नहीं भी लाइए ला ला ला।
क्या हा? क्या कर रहे हैं आप? मुझे मर्डर के इल्जाम में जेल में डालने वाले थे आप? किससे बात कर रहे हो, समझ नहीं पाती मालपानी जी क्या? एक मिनट देखिए, गो हो हला हिकरू हिक कम कम जा आओ 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 आओ। अच्छा दीपक इधर आना। नहीं आप मारोगे। अरे नहीं मारूंगी, तू इधर आ। पहले उसको फेंको। ये ले फेंक दिया। हाँ बोलो। अभी टर्न कर। हाँ। एक काम कर, मुझे हॉल तक जाना है, लेके चलना चल। नहीं ऐसे तो आप गिर जाओगे। देखो टेक्निक में क्या होता है, देखो बताता हूँ। हाँ, देखो हाँ। ऐसे क्या होगा। हाँ। ये चल भाग। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.